वीर अपने कार से अपने घर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसके सामने तीन दरवाजे आते हैं। पहले दरवाजे के अंदर चांदी है, दूसरे दरवाजे के अंदर सोना है और तीसरे दरवाजे के अंदर हीरा है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं वीर सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलेगा? सोचिए और आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, वीर सबसे पहले अपने कार का दरवाजा खोलेगा। कार का दरवाजा खोलने के बाद ही और कोई दरवाजा खोल सकता है। आपने क्या सोचा था, कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए अभी अगली पहेली को देखते हैं। एक घर में चार दोस्त रहते थे, वीर, इमली, बंटी और गिंटू। पहला दोस्त वीर बुक पढ़ रहा है, दूसरा दोस्त इमली टीवी देख रही थी, तीसरा दोस्त बंटी चेस खेल रहा था। तो बताओ चौथा दोस्त गिंटू क्या कर रहा होगा? दोस्तों ध्यान से सोचिए और आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, चौथा दोस्त गिंटू तीसरे दोस्त बंटी के साथ चेस खेल रहा है, क्योंकि चेस अकेले नहीं खेला जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आपने इसका सही जवाब दे दिया था? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अभी अगली पहेली को देखते हैं। वीर अपने कमरे में सोने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो उठा और अपना फोन उठाया, उसके बाद अपने पड़ोसी को कॉल किया। उसके पड़ोसी ने कॉल उठाया, वीर उससे बात किया और कॉल को कट कर दिया और सो गया। उसके बाद वीर को खूब अच्छे से नींद आई। तो दोस्तों, वीर ने अपने पड़ोसी से ऐसा क्या बोला जिससे उसके बाद उसे अच्छे से नींद आई? सोचिए और आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। वीर का पड़ोसी बहुत जोर जोर से खर्राटे लेकर सो रहा था, इससे वीर को नींद नहीं आ रही थी। जब उसने कॉल किया और बोला, तब जाके उसका पड़ोसी खर्राटे लेना बंद किया। तो दोस्तों, क्या आपने इस पहेली का सही जवाब दे दिया था? हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। बारिश का मौसम था, हुरसतगंज में बहुत बारिश हो रही थी। उसी समय किसी ने वीर का खून कर दिया। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव शुभम को बुलाया जाता है। कुछ देर में डिटेक्टिव शुभम वहां पर पहुंच जाते हैं। उस समय वहां पर चार लोग मौजूद थे। डिटेक्टिव शुभम उन सबसे पूछताछ करते हैं, जब खून हुआ तब आप सब कहाँ थे? इमली कहती है, मैं अपने कमरे में बैठकर बुक पढ़ रही थी। बंटी कहता है, बारिश का मौसम था इसलिए मेरी मम्मी पकौड़े बना रही थी, तो मैं उनका पकौड़े बनाने में हेल्प कर रहा था। दादाजी कहते हैं, मैं गार्डन में पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। गिंटू कहता है, मैं वीडियो गेम खेल रहा था। डिटेक्टिव शुभम सभी के बातों को ध्यान से सुनते हैं और समझ जाते हैं वीर का खून किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला वीर का खून किसने किया है? सोचिए और आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, वीर का खून कोई और नहीं बल्कि दादाजी ने ही किया है। कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, दादाजी ने डिटेक्टिव शुभम को बताया था, मैं गार्डन में पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। लेकिन दोस्तों, फुरसतगंज में बहुत बारिश हो रही है, बारिश में पौधों को पानी की क्या जरूरत है? बारिश के कारण पौधों में पानी पहले से भरा होगा, तो दादाजी पौधों को पानी कैसे दे सकते हैं? दादाजी झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने ही वीर का खून किया है।
वीर समोसा लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे उसके दोस्त गिंटू, बंटी और इमली मिलते हैं। इमली कहती है, वीर कहाँ जा रहे हो? वीर कहता है, मुझे भूख लगी है इसलिए मैं समोसा लेने के लिए जा रहा हूँ। इमली कहती है, वीर कुछ देर पहले ही तो तुमने समोसा खाया था, थोड़ा कम खाया करो। वीर कहता है, मैं खाऊं या ना खाऊं तुम सबको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कहकर वीर वहां से समोसा लेने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में वीर समोसा लेकर घर आता है। वीर सोचता है, पहले नहाकर आता हूँ फिर समोसा खाऊंगा, तब समोसा खाने में ज्यादा मजा आएगा। वीर अपने समोसे को वहीं पर रखकर बाथरूम में नहाने जाता है। 15 मिनट बाद वीर नहाकर आता है। वह देखता है उसका समोसा वहां पर नहीं है। वह समझ जाता है उसका समोसा उसके दोस्तों में से ही किसी ने चुराया है। वह तुरंत अपने दोस्तों को बुलाता है। कुछ ही देर में वीर के सभी दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं। वीर सबसे पूछता है, तुम सब में से किसने मेरा समोसा चुराया है? सभी लोग कहते हैं, वीर हमने तुम्हारा समोसा नहीं चुराया है, हमें तुम्हारे जैसा समोसा खाने का कोई शौक नहीं है, तो भला हम समोसा क्यों चुराएंगे? वीर कहता है, समोसा तुम सब में से ही किसी ने चुराया है, मुझे पूरा यकीन है। तुम सब बताओ, पिछले 15 मिनट से तुम सब कहाँ थे और क्या कर रहे थे? गिंटू कहता है, हम सब फुटबॉल खेल रहे थे, मुझे घर पर कुछ काम था इसलिए मैं चला आया था और बाकी लोग खेल रहे थे। वीर सबसे पूछता है, क्या गिंटू सही कह रहा है, तुम सब फुटबॉल खेल रहे थे? इमली कहती है, हाँ वीर हम सब फुटबॉल खेल रहे थे। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका समोसा किसने चुराया होगा। तभी उसको समोसे के प्लेट के नीचे एक पेपर दिखता है। वीर उस पेपर को उठाता है, उस पे लिखा था 3 अगस्त, 4 अप्रैल, 1 नवंबर, 3 अक्टूबर, 2 जुलाई। तो दोस्तों, क्या आप इस हिंट को देखकर बता सकते हैं वीर का समोसा किसने चुराया है? आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, वीर का समोसा गिंटू ने चुराया है, कैसे चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, पेपर पर लिखा है 3 अगस्त, मतलब अगस्त का तीसरा लेटर जी। उसके बाद है 4 अप्रैल, मतलब अप्रैल का चौथा लेटर आई। उसके बाद है 1 नवंबर, मतलब नवंबर का पहला लेटर यन। उसके बाद है 3 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर का तीसरा लेटर टी। लास्ट में है 2 जुलाई, मतलब जुलाई का दूसरा लेटर यू। कुल मिलाकर बनते हैं गिंटू। गिंटू ने ही वीर का समोसा चुराया है। वीर इस पेपर में लिखा पहेली को सॉल्व कर देता है और समझ जाता है उसका समोसा गिंटू ने ही चुराया है। तो दोस्तों, क्या आपने इसका सही जवाब दे दिया था? कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। वीर एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ एक तरफ दादाजी होते हैं और एक तरफ इमली होती है। वह उन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकता है। दादाजी के पीछे एक सुपर कार आ रही है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, और इमली के पीछे एक बस आ रही है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं वीर को इमली और दादाजी में से किसे बचाना चाहिए? आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों, मेरे हिसाब से दादाजी को बचाना चाहिए, कैसे आइए समझते हैं। दोस्तों, दादाजी के पीछे जो कार आ रही है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, उसे रोकना इम्पॉसिबल है। और इमली के पीछे जो स्कूल बस आ रही है और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो ड्राइवर गाड़ी को स्लो चला रहा होगा, तो बस ड्राइवर ब्रेक मारकर
आसानी से गाड़ी को रोक सकता है, लेकिन कार को रोकना इम्पॉसिबल है। इसमें आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए।